हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं एक करी रेसिपी। इस रेसिपी में हमने अंडों को बिना बॉईल किए ही मसाले के साथ भूनकर बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इस तरह से एक करी बनाकर खाएंगे तो हमेशा इसी तरह से इसे बनाकर खाया करेंगे। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने प्याज का पेस्ट लिया है, 4 प्याज हमने फाइन पेस्ट करके ले लिए। दही लिया है आधा कटोरी, फ्रेश ताज़ा दही है। और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1-1 टीस्पून। एक गड्डी हरा धनिया साफ धुला हुआ, 6 हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी मीठे नीम की पत्ती हैं, आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का है, और 2 तेज पत्ते हैं और 2 लौंगे हैं। पाउडर मसालों में हम ले रहे हैं धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर तीनों 1-1 टीस्पून है, नमक स्वाद अनुसार यहाँ हम 1 चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्दी पाउडर और भुना जीरा पाउडर ये दोनों हम ले रहे हैं आधा आधा टीस्पून। बिना बॉईल किए हुए अंडे ले रहे हैं हम 7 अदद। 3 टमाटरों को मिक्सी में पीस लिया है हमने और इसका पेस्ट बना लिया है। अब चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालकर उसे गर्म कर लीजिए। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे जो गर्म मसाले हमने मेंशन किए थे, पत्ते, लौंग और दालचीनी, मीठे नीम की पत्तियाँ डाल देंगे और इसे हम आधे मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आधे मिनट के लिए भून लेंगे। ये लीजिए ये भून चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे लाल कश्मीरी मिर्च 1 छोटी चम्मची, ये कलर वाली मिर्च है, इससे इसमें मसाले में अच्छा कलर आ जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज का पेस्ट, इसे भी अच्छी तरह से हम मसाले में मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन निकल जाए। ये भून चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, अब इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, इसमें हम भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले कढ़ाई में चिपके ना, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसालों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए मसाले भुन चुके हैं, इसमें तेल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी जो हमने पीस कर ली थी, वैसे भी हम अच्छी तरह मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए टमाटर भुन चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे दही, दही इसमें फ्रेश और ताज़ा वाला इस्तेमाल करना है। दही डालकर इसे मिक्स करते हुए इसे भी हम 1 मिनट के लिए मसाले में भून लेंगे। अब इन सभी मसालों को हम 3 मिनट के लिए धीमी आँच पर ढक कर भून लेंगे। इससे मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन जाएंगे। देखिए मसालों को भुनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं, इसमें तेल सेपरेट हो चुका है, इसका मतलब मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इनमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, दही की कटोरी में ही हम पानी डालकर ले रहे हैं। पानी डालने से जब इसमें हम अंडे डालेंगे तो अंडे इसमें अच्छी तरह से मसाले में सेट हो जाएंगे और मसाला कढ़ाई में चिपकेगा भी नहीं और गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देंगे। अब एक कटोरी में हम अंडों को एक एक करके तोड़ते जाएंगे, ये देखें इस तरह से, और इसे मसाले में डालते जाएंगे। ये देखिए अंडा टूट चुका है, अब इसे हम मसाले में डाल देंगे। इसी तरह से हम सभी अंडों को तोड़कर मसाले में डाल देंगे। अंडों को हम मसाले में थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर डाल देंगे। देखें इस तरह से सभी अंडे मसाले में डल चुके हैं। अब हम कढ़ाई को ढक देंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर ही रहने देंगे और कढ़ाई में हम अंडों को इसी तरह से रखे हुए 5 मिनट के लिए पका लेंगे। हमें इसे बीच में चलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसी तरह से इसे 5 मिनट के लिए पका लेना है। अब अंडों को धीमी आंच पर पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, इसे हम खोल कर चेक कर लेते हैं। वाह, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है और अंडे इसमें मसाले में बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। इसमें हमने हरी मिर्चें ली हैं 5-6, उसे बीच में से चीरा लगा लिया है, वो इसमें हम डाल देंगे। इससे हरी मिर्ची थोड़ी इसमें नरम सॉफ्ट हो जाएगी और हरी मिर्ची में की मसाले में अच्छे से खुशबू आने लगेगी। इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हरा धनिया ऊपर से और कढ़ाई को हम ढक देंगे और ढक कर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह से रखा रहने देंगे ताकि मिर्ची की और हरे धनिया की इसमें अच्छे से खुशबू आ जाए। अब एक करी को रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से, ये देखिए इसकी कंटेंसिटी, ये कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। ये खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं, इसे पूरी के साथ, पराठे के साथ, नान रोटी, ब्रेड, गर्मा गर्म चावल सभी के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत
मज़ेदार लगती है। तो कब बना रहे हैं आप एक करी, मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।